Assalamualaikum, welcome to Ingelicious Kitchen. आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्टार्टर, स्टफ्ड चिकन, मायो स्टफ्ड चिकन बनाने जा रहे हैं। यहाँ हमने ले ली है आधा किलो के करीब चिकन, ये है कुछ ब्रेड क्रम, थोड़ा सी ब्रेड क्रम है, और ये है 1 कप के करीब मायो, ये है 1 टेबल स्पून के करीब है काली मिर्च का पाउडर, ये है थोड़े से हरी धनिया, पुदीना और 4 हरी मिर्च और 1 टुकड़ा लहसुन का, तो 3 टेबल स्पून के करीब है ये ऑयल, 1 टेबल स्पून के करीब है ये नमक, ये है थोड़ी सी चीज जो हम चिकन के अंदर स्टफ्ड करेंगे, और ये है 2 अंडे जिसकी हम ऊपर से कोटिंग करेंगे। हाँ, हमने चिकन को स्ट्रिप्स में से कट कर ली है और फिर इसको हम ऐसे रख के किसी पेपर पे या कहीं पर रख के फिर इसको थोड़ा सी हल्का सी फ्लैट कर लेंगे, फिर इसमें हमको अंदर स्टफ करना है। ऐसे ही कर कर के आप सब रख लें चिकन स्ट्रिप्स को। चलिए अब हम बना लेते हैं अपनी चटनी। चलिए अब हम चटनी को पीसना शुरू करते हैं। ये मायो चटनी है। सबसे पहले हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल लेंगे पुदीने को, फिर धनिया, हरी मिर्ची, लहसुन का 1 टुकड़ा और ये मायो को डाल देंगे इसमें, और थोड़ा सी पानी डाल के हम ये चटनी की तरह इसको ग्राइंड करके पीस लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त चटनी बनती है, आप स्टार्टर के लिए भी ये चटनी बना के खा सकते हैं, मायो चटनी। अब हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए, ये हमारी मायो चटनी अब रेडी हो चुकी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी स्टफिंग की तरफ। यहाँ हमने चिकन को फ्लैट कर ली थी। चिकन को फ्लैट करने के बाद अब हम इसमें फोक की मदद से ऐसे कर लेंगे। सबसे पहले आपको चिकन स्ट्रिप्स को एक फ्लैट जगह पर रखना है और उसको ऐसे फोक से कर लेना है। सब स्ट्रिप्स में आपको ऐसे ही कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे, फिर हम इस पे ऐसे ऑयल ग्रीस कर लेंगे थोड़ा सी, सब स्ट्रिप्स पे ऐसे ऑयल ग्रीस कर लेंगे। ऑयल ग्रीस करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सी काली मिर्च का पाउडर, डालने के बाद इसे हम इस पे ऐसे स्प्रिंकल कर लेंगे थोड़ा सी काली मिर्च का पाउडर और नमक, और ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। फिर अब हम इस पे स्प्रिंकल करेंगे सॉल्ट। ये बहुत ही यमी और डिलीशियस स्टार्टर है, आप भी ट्राई करें। अब हम इसमें मायो स्टफ करेंगे। मायो की जो हमने चटनी बनाई थी हरी, उसको ऐसे करके स्टफ करेंगे इसके ऊपर। अच्छी तरीके से पूरी स्ट्रिप्स में इसको ऐसे लगा लें। सभी स्टेप्स में आपको ऐसे ही सेम प्रोसेस करना है। ये हमारी हो गई मायो स्टफ। अब हम इसमें करेंगे चीज ग्रेट। अमूल की चीज ली है मैंने यहाँ पर, अमूल की ही लें, यही बेस्ट रहती है स्टफ करने के लिए चिकन के अंदर।
ऐसे ही हमको सब लेयर्स में चीज को स्टफ कर लेना है, ग्रेट कर लेना है। आप देख सकते हैं कितना इसका खूबसूरत टेक्सचर आ चुका है, मायो चीज। ले लेंगे एक एक और उसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, सभी लेयर्स को ऐसे सेम तरीके से ऐसे रोल अप कर लेना है। अगर इसमें से कुछ ऐसे बह रहा है एक्स्ट्रा पार्ट तो कोई आपको डरने की बात नहीं है, ये सब हो जाएगा जब हम कोट करेंगे इसको। देखिए ये हमारा रोल अप हो चुका है, अब हम इसको डिप करेंगे अंडे में। इसको अंडे में डिप करने के बाद अब हम इसको ब्रेड क्रम में कोट कर लेंगे ऐसे। सभी चारों पार्ट्स के ऐसे ऐसे इसको कोट कर लें। अच्छे से सब तरफ से कोट कर लें। देखिए सभी स्टफ चिकन स्टफ्ड को हम ऐसे कोट कर लेंगे अंडे और ब्रेड क्रम से। बहुत ही बढ़िया स्टार्टर है ये, आप जरूर ट्राई करना। तेल अब गरम हो चुका है, अब हम एक एक करके अपनी चिकन स्टफ्ड को डालेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। तेल हम अच्छे से गरम करके फिर इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। हम चेक कर लेते हैं हमारी चिकन हुई है कि नहीं। देखिए ये थोड़ी सी हो चुकी है गोल्डन ब्राउन, आपके ऊपर है आप कैसे फ्राई करके खाना पसंद करते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंगली आप इसको फ्राई कर सकते हैं। जैसे देखिए कितनी अच्छी गोल्डन फ्राई हो चुकी है, तो हम पलट लेंगे एक एक करके सबको। इसको लो फ्लेम पे ही करें ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए। यहाँ हमारी चिकन अब फ्राई हो चुकी है, अब एक एक करके अब हम इसको निकाल लेंगे। पूरी तरीके से ऑयल निकाल कर इसको निकालें, एक एक करके हम इसको ऐसे निकाल लेंगे। ये हमारी चिकन स्टफ मायो अब रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं आप ये कितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। मायो स्टफ चिकन प्लेटर इज रेडी, आप भी ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं कैसी बनी आपकी मायो स्टफ चिकन। ये बहुत ही इजी और डिलीशियस रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।